हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी यहाँ पर मैं सुबह वाले काम कर रही हूँ। सुबह वाले काम हो गए हैं मेरे शुरू। चाय वगैरह हमारी सबकी हो गई है, चाय वगैरह पी ली है सबने। अनुष्का स्कूल चली गई है, अनुष्का के पापा जी अपने काम पर चले गए हैं, जो भी उनका काम था जो है जो वो करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं अपने काम पर लग गई हूँ कि हमें भी अपना काम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बाहर जाना है, पर यह है कि हम अपने काम ना फिर भी बिना किसी के कहे अपने टाइम से कर लेते हैं, क्योंकि हमें रहता है कि हमें ये काम करना है, हमें लेट ना हो जाए, है ना, हमें टाइम नहीं मिलेगा, हम थोड़ी बहुत देर भी बैठ नहीं सकते हैं, लेट नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से अपना काम हम कर लेते हैं। और जो भी काम जैसे कि, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा पहले कपड़े सुखा लेते हैं, है ना, कपड़े सूख जाएंगे, मशीन साफ़ हो जाएगी, फिर और कपड़े डल जाएंगे जो कि अब हम जैसे कि नहाएंगे वो वाले कपड़े सब मशीन में डाल देंगे। तो इसी वजह से मैंने पहले कपड़ों वाला काम किया है। वैसे भी कपड़े ना शाम डाल दिए थे मैंने मशीन में, और सुबह मैंने जल्दी उठ करके इसमें पानी वगैरह डाल के और चाबी मतलब लगानी शुरू कर दी थी, जिससे कि सारे कपड़े अच्छे से धुल गए। मैंने कहा चलो पहले इसी काम को कर लेते हैं। काम तो सारे करने हैं, पर यह है कि जिधर को अपना मन खुश हो उधर से मतलब शुरू कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले डेली कपड़े ही धोती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिधर को मेरा मन होता है काम करने का, मैं उधर से ही शुरू कर देती हूँ अपने कामों को। तो आज मन था कि चलो कपड़े धो लेते हैं, तो कपड़े धोने के लिए आ गए हैं। मन होता है कि पहले झाड़ू लगा लेते हैं, तो झाड़ू भी लगा लेते हैं। जो भी मन होता है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमको करना है, किसी और को करना नहीं है, तो वही है, तो अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कपड़े सूख ही चुके हैं, थोड़े से कपड़े रह गए हैं, उनको ऊपर डाल दूँगी, है ना, और थोड़ा टाइट निचोड़ती हूँ जिससे कि ना जल्दी से सूख जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि खाली होना होता है ये रस्सी जो बंधी हुई है। फिर इसको खाली कर लूँगी, फिर इस पर और कपड़े डाल दूँगी, है ना, तो वही रहता है। छोटे कपड़े मैं ऊपर उस पर डाल देती हूँ, बड़े बड़े नीचे। तो अभी यहाँ पर मैंने बेड शीट वगैरह अच्छे से सेट कर दी है, सब कुछ बेड जैसे कि साफ़ करना होता है वो कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं मंदिर साफ़ करूँगी, क्योंकि ना हफ्ते में एक दिन मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मंदिर को। वैसे तो डेली ही साफ़ होता है तस्वीर वगैरह, तो वो थोड़ा वैसा होता है कि चलो जल्दी से और साफ़ कर दो, लेकिन एक होता है कि ना आप अच्छे से सारी चीज़ों को हटा करके अच्छे से साफ़ करो, तो वो वाला मैं एक हफ्ते में एक दिन कर देती हूँ। तो अभी लगभग एक हफ्ता हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मंदिर साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू लगाएंगे और पोछा लगाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि फिर वो ही काम चलेंगे, तो इसीलिए मैंने पहले मंदिर को साफ़ करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ना ऐसा तो है नहीं कि आप पोछा वगैरह सब कुछ लगा करके मंदिर को साफ़ करो, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने हटा ली हैं। कान्हा जी हैं मेरे दोनों, तो वो मैंने इधर बैठा दिए हैं सोफे पे, और उनके उस पे ही बैठे हुए हैं, पालने में हैं, एक एक उस अपने सोफे पे बैठे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से हटा हटा करके और साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना यहाँ पर हो जाता है तस्वीरों पर भी, हम जैसे कि तिलक वगैरह लगाते हैं तो वो थोड़े सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे क्या है कि जल्दी जल्दी साफ़ करते रहते हैं ना, तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। इसीलिए तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया है, और अभी ना इन सब और जल्दी से साफ़ करते हैं ना, तो फिर इतने वो टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, और ना चमक सी आ जाती है, जैसे कि आप साफ़ कर देते हो ना, बड़ी अच्छा सा लगता है, चमक सी आ जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने वो कर दिया है। अब इनकी गद्दी आसन जो भी है उनको लगा करके और वापस से वहीं इनको बिठा दूँगी। अभी मैंने नहलाए नहीं है, मैं नहलाऊँगी अपने नहाने के बाद, जब मैं खुद नहा लूँगी फिर मैं कान्हा जी को नहलाऊँगी। तो अभी ऐसे तो नहला नहीं सकते हैं जब तक हम नहीं नहाएंगे,
है ना। तो अभी यहाँ पर पालने पर बिठा दिए और देखिए अपने आप झोटे ले रहे हैं कान्हा जी। पालना हालता है, वैसे भी उठाते हैं ना, डर लगता है कभी गिर ना जाए, तो बड़ी उससे सावधानी से इनको उठाना पड़ता है उधर से जहाँ पर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी झटका लगा ना तो फिर गिर जाएंगे इसीलिए। तो अभी यहाँ पर बिठा दिए हैं मैंने अपने दोनों कान्हा जी। तो अभी यहाँ पर मैं ये सारी वो कर रही हूँ क्लीनिंग सुबह वाली, तो वो ही चल रही थी यहाँ पर अभी। और पता नहीं क्या है, जैसे कि आप डेली एक सब्जी खाओ, डेली आप किसी भी काम को आप डेली करो, है ना, तो उससे बोरियत सी आने लगती है, होता है ये अपने मन से ही आने लगती है। लेकिन हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर का काम करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, जितने भी काम होते हैं घर में हम लेडीजें सारे ही काम करते हैं, लेकिन हमें इस काम से कभी बोरियत नहीं आती। पता क्यों ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि हमें ना इस काम को करने में मन लगता है, अपने काम को। कभी इससे हमें ऐसा नहीं होता कि नहीं अब हमें ये नहीं, अगर हमारी तबीयत ख़राब है ना, तो कभी तो ये हो जाता है कि भाई आज हमारी तबीयत ख़राब है और हमारा मन नहीं कर रहा है, तो वो तो बात होगी अलग। लेकिन जैसे कि होता है कि हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, तो वो वाली परेशानी कभी नहीं होती है। हमें अपने घर के काम करने से एक खुशी सी मिलती है, बड़ा मन सा लगता है कि हाँ हमें ये अपना काम करना है। और जितना भी मन से मतलब जी जान से मन से हम अपने काम को करते हैं ना, वो कोई हम दूसरा काम नहीं करते हैं जितना कि हम अपने घर के लिए जितना टाइम देते हैं, अपने लिए तो दे ही नहीं पाते हैं खैर, है ना। वो अपने कामों में हम वो कर जाते हैं, लेकिन घर का, वो बच्चों का, वो हस्बैंड का, वो सारे काम हम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो भी यहाँ पर बैठ के नीचे जो भी थोड़ा बहुत वो होता है ना गंदा, उसको मैं यहाँ पर अच्छे से निकाल ले रही थी कि कुछ भी ना रह ना जाए इसके अंदर इसीलिए। तो अभी क्या है कि ना बस झाड़ू लगाने के बाद मेरा मंदिर भी साफ़ हो गया है, फिर मुझे पोछे का काम है क्योंकि वो भी लगाना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ बरामदे में, और उधर की साइड से मैंने झाड़ू लगा ली है उधर की साइड गेट की तरफ। तो अभी मैं इधर आई तो इधर पहले मैं इस पर कूलर पर लगा रही हूँ कपड़ा, जो कि डेली ही लगाती हूँ, तो इस पर कपड़ा लगा देती हूँ। और इस पर पता नहीं कहाँ से ना इतनी धूल बैठ जाती है बहुत ही ज़्यादा, इसकी छत है ना उस पर, तो जैसे ही मैं हाथ लगाती हूँ ना सारा कपड़ा धूल में हो जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है, चलता है पता नहीं, धूल को खींचता है या हमें हवा देता है पता ही नहीं चल रहा है इसका भी।
तो चलो कोई नहीं, अगर ऐसे काम हम मतलब जैसे कि ये धूल मिट्टी वगैरह ये घर में नहीं आएंगी और हम झाड़ू पोछा ये काम नहीं करेंगे तो हमारा भी टाइम कैसे पास होगा, है ना। तो वो भी ज़रूरी हैं काम घर के भी, अगर हम ऐसे काम करते रहते हैं तो हमारा टाइम भी पास हो जाता है और हमें अच्छा भी लगता है, तो ये काम भी ज़रूरी है। अभी यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया है और जो उधर मैं मूढ़ी वगैरह थी उसको रख के आई हूँ, क्योंकि उस पर बैठ के मैंने अभी मंदिर साफ़ किया था अपना। तो अभी यहाँ पर मैं नहा करके आ गई हूँ, पूजा वगैरह मेरी हो गई है, ये सारे काम हो गए हैं और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ सब्जी काटने लगी हूँ, क्योंकि आज बनाएंगे हम खाने में सीताफल की सब्जी। अनुष्का का मन था और रखा हुआ भी था तो मैंने कहा चलो सीताफल बनाते हैं। वैसे सब्जी और भी रखी हुई थी, बैंगन रखे हुए थे और लौकी भी रखी हुई थी, भिंडी भी रखी हुई थी और क्या रखा हुआ था, कई सब्जियां रखी हुई थी, टमाटर रखे हुए थे, चाहे आलू टमाटर बना लो, दाल बना जो भी बनाना है, लेकिन मन था कि चलो सीताफल बनाते हैं, है ना। अच्छा लगता है सीताफल, अगर खट्टा मीठा बनाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और अनुष्का को तो ना मीठा वाला ही ये सीताफल पसंद है, वो ऐसा नहीं खाती है कि आप ऐसे ही बना दो, वो उसे मीठा ही पसंद है। तो अभी यहाँ पर मैंने कट कर लिया और अभी ना मैं आपको दिखा रही थी कि अभी ना इसमें और भी काफ़ी सारा बचा हुआ है ये वाला, अभी एक दिन और भी बन जाएगा। और मैं इसमें देख रही थी जैसे ही मैंने चाकू से काटा ना तो ये एक तरफ से काला काला सा हो गया था, तो मुझे लगा कहीं ख़राब तो नहीं है, पर ये ख़राब नहीं था, ये सही था, चाकू का निशान लग गया था इसमें। तो अभी मैंने सब्जी को कट कर दिया है और अभी जो मैंने एक टमाटर ले लिया है और हरी मिर्च ले ली है दो तीन, तो मैंने ना टमाटर मैं इसमें डालती नहीं हूँ, वैसे डालते हैं इसमें टमाटर, पर मैं टमाटर सब्जी में बहुत कम डालती हूँ, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहीं करती हूँ मैं ये काम, मतलब डालती हूँ वरना मैं डालती नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर ये टमाटर ना थोड़ा ख़राब सा होने जा रहा था, मैंने सोचा कि चलो इसको यूज कर लेते हैं फिर ये ख़राब ही हो जाएगा, तो ये टमाटर मैंने इसलिए निकाल लिया था, वरना तो मैं ऐसे सादा ही इसमें तड़का लगा देती। तो यहाँ पर अभी मैं उसी को कट कर रही हूँ, जो ख़राब था ना वो मैंने एक साइड मैंने उसको अलग कर लिया है और गैस को जला लिया है, गैस पर मैंने कढ़ाई भी रख दी है, और अब बस इन टमाटर और हरी मिर्च को कट करने के बाद और फिर मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तड़का मैं लगाऊँगी इसमें सादा उसका जीरे का और मेथी का, क्योंकि ना मेरे कान्हा जी हैं वो भी खाना खा लेंगे, अगर हम प्याज और लहसुन का इसमें यूज कर देंगे ना तो फिर वो इसको नहीं खा पाएंगे इसीलिए। तो वैसे ना इसमें आप जीरे और मेथी से बनाओ तो बहुत टेस्टी बन जाती सब्जी, ऐसा नहीं है कि इसमें प्याज लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर ये सारी जो एक तो मिर्च इसमें ख़राब भी निकली थी वो मैंने एक साइड कर दी हैं और मैंने सब्जी को कट कर लिया है। अभी बारी आती है इसमें तड़का लगाने की, कढ़ाई मेरी लगभग गर्म हो चुकी है, क्योंकि ना कढ़ाई में इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो दूसरी तो ज़्यादा ही हल्की लेकिन इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी मैं यहाँ पर तेल डाल दूँगी कढ़ाई में और फिर सब्जी को लगाऊँगी तड़का। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, वो सब चीज़ें गर्म हो गई हैं, मतलब तेल गर्म हो गया था, और फिर मैंने यहाँ पर ना सब्जी को तड़का भी लगा दिया है। और अब बारी आ गई है यहाँ पर रायता बनाने की, क्योंकि ना रायता हो ना तो खाने में चार चांद लग जाते हैं, चाहे वो पकवान हो चाहे वो
सादा खाना हो ना, रायता हो तो अच्छा लगता है खाना, और पकवान तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बिना रायते के। तो अभी अरे ये छोंक वाला रायता ही बनाती हूँ मैं, वो सिंपल वाला तो बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि अनुष्का ना सिंपल वाला रायता कम खाती है, वो खुशबू से पहचान लेती है कि हाँ मैंने कौन सा वाला रायता बनाया है। तो अभी यहाँ पर मेरा तड़का हो गया है तैयार, सब्ज़ी मैंने अभी तड़का नहीं दिया था, मैं भूल गई थी, सॉरी। तो अभी तड़का मैं अब लगा रही हूँ सब्ज़ी को, वो मेरा छोंक भुन रहा था यहाँ पर, तो अभी सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने सारी वो चीज़ें डाल ली थी, जैसे कि मसाले जो भी डालने होते हैं, हल्दी, और मसाले में क्या जाता है डेली में तो यही जाता है, हल्दी हो, नमक है, मिर्च है, हरी मिर्च डाल ली एक दो, और फिर सूखा धनिया डाल लिया, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म मसाला डाल लिया, बस ये सारी चीज़ें जाती हैं। अगर आप कोई स्पेशल बना रहे हो तो कुछ दो चार चीज़ और एक्स्ट्रा चली जाती हैं इसमें। वैसे कस्तूरी मेथी भी है मेरे पास, पर मैं भूल जाती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ, कभी जब मुझे याद आ जाता है तो मैं डाल भी लेती हूँ। अभी यहाँ पर तड़का लगाने के बाद अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक मैंने इसमें पहले नहीं डाला था, इसीलिए अभी मैंने मसालेदानी को नीचे रखा हुआ था, वरना मैं अभी ऊपर रख देती। तो इसमें नमक डाल लिया है, तड़का लग गया है, और अभी मैं इसमें डालूंगी बूंदी, और बूंदी ना आज हमारी ख़त्म हो गई है, ये देखिए बहुत थोड़ी सी बूंदी थी, मैंने इसमें डाल दी है। वैसे अनुष्का के पापा जी तो बूंदी का रायता खाते भी नहीं हैं, अनुष्का को ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए काफ़ी हैं इसमें, है ना, तो उसके लिए हो जाएंगी, बाकी तो हम ऐसे खा लेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने सारे काम करने के बाद मैंने आटा भी लगा दिया था, सब्जी के और रायते का काम करने के बाद आटा लगा दिया है, और आटा लगाने के बाद अभी यहाँ पर मैं सारी स्लिप को, गैस को, उसको साफ़ कर रही हूँ। वैसे खाना नहीं बनाया अभी, पर क्या है कि जैसे कि रायता बनाया है हमने, सब्जी बनाई है, तो वो सारी चीज़ें से क्या होता है कि छींटें सी हो जाती हैं गैस पर, स्लिप पर, तो अभी ना मैं उसको यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। मैं करती हूँ ऐसा ही, जैसे ही मैं रायता बनाती हूँ और आटा मतलब बना के रखती हूँ, तो वो सारी चीज़ों को मैं साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं वही कर रही थी। इधर वाले चूल्हे को तो मैं साफ़ नहीं कर सकती हूँ गैस के, क्योंकि अभी यहाँ पर गैस चली हुई है, वैसे उतार कर तो मैं कर लूँगी, पर इधर पर, इधर की साइड में छींटे ज़्यादा नहीं आई हैं, क्योंकि इधर की साइड में मैंने तेल को गर्म नहीं किया था, रायते वाले को उधर किया था, तेल को नहीं। वैसे मैं घी में तड़का लगाती हूँ, और मैंने घी में ही लगाया है, पता नहीं मुझे घी का ही तड़का अच्छा लगता है, रायते में ना मैं घी का ही तड़का लगाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशबू सी आती है, बड़ी अच्छी अच्छी सी मन होता है पीने का। तो अभी यहाँ पर सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इस रूम में, इस रूम में रखे हुए थे कपड़े, तो अभी सब्जी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से कपड़े हैं उनकी तह कर लेते हैं। हमें ना काम याद आते रहते हैं, हम काम करते हुए भी दूसरे काम के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े ले लिए हैं, और ये पर्दे इधर उधर हो रहे थे, तो मैं इनको भी सेट करने लग गई हूँ यहाँ।
कपड़ों को मैं इधर लेकर के आ गई हूँ बरामदे में, क्योंकि ना अंदर थोड़ी सी गर्मी सी ज़्यादा सी लगती है, तो इसीलिए। वैसे मैं यहाँ पर पंखा भी चला लूँगी और इनकी तह कर लूँगी, और ये काम ना मेरे पहले ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या है कि बाद में ना इनकी वो नहीं रहेगी। क्योंकि ना खाना खाने के बाद मन होता है कि हम थोड़ी सी देर आराम कर लें, खाना खाने के बाद मन होता ही नहीं है काम करने का, चाहे हम 10 मिनट लौटें, 15 लौटें या 20 लौटें, 1 घंटे लौटें, लेकिन लेटने का मन होता ही होता है। तो इसीलिए मैंने पहले इनको तह कर लिया है, अब आगे का मेरा कोई भी काम नहीं रहेगा, जैसे कि आगे खाना बनाने के बाद का काम, तो सभी काम मेरे हो जाएंगे अच्छे से। तो अभी यहाँ पर ना मैंने पंखा चला लिया था, मैं भूल गई थी, मैंने ना जैसे ही पंखा चलाया तो वो लाइट जल गई, लाइट जली और मैंने थोड़ी देर तो मैं तह करती रही कपड़ों की, और जब मैंने देखा कि मुझे गर्मी कैसे लग रही है, क्या हुआ, पंखा चला नहीं है, देखा तो वो लाइट जल गई, पंखा चला ही नहीं। गलतियाँ कर देते हैं हम, है ना, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो कोई नहीं, फिर मैंने दोबारा से चला लिया है, और अभी यहाँ पर मेरे सारे कपड़े ही तय हो गए हैं, जो मुझे अंदर हैंगर पे टांगने थे कपड़े, उसे मैं अंदर रख के आ गई हूँ, टांग करके आ गई हूँ, और अब इन सारे कपड़ों को ले जा करके अच्छे से अलमारी में सेट कर दूँगी, और इस चारपाई को पीछे की तरफ कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने आगे खींच ली थी, क्योंकि ये दूर थी तो पंखे की हवा उधर नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैं इसे इधर ले करके आई थी, और फिर मैंने पीछे की साइड में कर दी है जहाँ पर ये थी। और अभी मैं इधर आ गई हूँ सब्जी को चेक करने के लिए, क्योंकि ना सब्जी बन रही थी, उसमें थोड़ी सी ही कसर थी, तो मैं देख रही थी बनी है या नहीं बनी है, बस बनने ही वाली है, और फिर मैं खाना बना लूँगी, अनुष्का के पापा जी के लिए बनाऊँगी, अपने लिए बनाऊँगी, अनुष्का को तो तभी बनाऊँगी तब अनुष्का स्कूल से आ जाएगी, उसके लिए तब बना दूँगी, तो अपने और इनके लिए बना लूँगी, है ना। और नहाने के बाद पता नहीं क्यों भूख लगती ही लगती है, मुझे तो लगती है नहाने के बाद ना कुछ खाने को चाहिए, इस टाइम ना वो भी टाइम नहीं रहा है कि लस्सी वगैरह हम बना करके पी लें, वो भी वो ना लस्सी अगर हम पी लें ना तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम कर देती हैं इस टाइम, तो इसीलिए मैं वो भी नहीं पीती हूँ। और यहाँ पर ना मैं बहुत दिनों से इसको सुखा रही हूँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं डेली इसको सुखा लेती हूँ, डेली रख लेती हूँ, लेकिन अभी तक भी मैं इसका यूज नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मैं काफ़ी दिनों से इस काम का सोच रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। पर कोई नहीं, बहुत जल्दी ही मैं इस काम को भी करने वाली हूँ, हो सकता है शायद आज शाम में भी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं धूप में रख रही थी, धूप बहुत तेज़ थी, बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं से रख देते हैं, हाथ लंबा करके और आगे की साइड में रख देते हैं। तो चलिए जी, अभी ये सारे काम हो गए हैं, खाना बनाएंगे, खाएंगे और फिर आराम करेंगे, और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।